समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, सृष्टि की उत्पत्ति होए, वेदों की उत्पत्ति होए लगभग 2 अरब वर्ष हो गए हैं। वेदों की उत्पत्ति का मतलब है कि परमेश्वर ने अपना वेदों का ज्ञान मनुष्यों को दिया, सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को दिया। ये वेदों का ज्ञान देना ही वेदों की उत्पत्ति बताई गई है। और इतना लंबा काल हो गया है, फिर भी इतनी प्राचीन परंपरा से वेद चले आ रहे हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं हुई, उनके स्वर में भी कोई अंतर नहीं आया। तो कुछ वेदों में विशेष है, कुछ वेदों में दम है, बल है, तभी इतने लंबे समय तक ये वेदों की परंपरा चल रही है। और परमेश्वर ने जो वेदों का ज्ञान दिया है ऋषियों को, ये सस्वर दिया है, स्वर सहित दिया है, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। और स्वरों का शब्दार्थ के साथ, स्वरों का वाक्यार्थ के साथ गहरा संबंध है। स्वर के बदल जाने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है, स्वर के बदल जाने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। तो इतनी प्राचीन परंपरा से ये जो चल रहे हैं, इसमें एक कारण ये बताया गया है कि अत्यंत श्रद्धा होना, ऋषियों की, ब्राह्मणों की वेदों के प्रति अत्यंत श्रद्धा इसमें कारण है। और दूसरा, ऋषियों ने शास्त्र बनाए, वर्णोच्चारण शिक्षा आदि, निरुक्त आदि शास्त्र बनाए, जिससे कि वेदों की परंपरा की रक्षा हुई। उनका महत्व समझते हुए उन्होंने ये किया। महर्षि दयानंद जी की ये बड़ी देन है। मान लीजिए महर्षि दयानंद जी नहीं आते और उनके काल में जो शास्त्रों की स्थिति थी, शास्त्रों का प्रचार था, हमारे सामने वो स्थिति होती तो हम उलझन में पड़ जाते। ये इतने सारे शास्त्र हैं और शास्त्रों के अंदर कोई ऋषि कुछ कह रहा है, कोई ऋषि कुछ कह रहा है, न्याय वैशेषिक वालों का अलग सिद्धांत है, सांख्य योग वालों का अलग सिद्धांत है, तो उनको पढ़कर हमको ये लगता कि ये तो ऋषि परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे का विरोध करने वाले हैं। और अनेक वेद शास्त्र हैं, उनको पढ़कर हम उलझ जाते, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। तो महर्षि दयानंद जी का ये बहुत महत्वपूर्ण देन है कि उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, आर्ष अनार्ष ग्रंथों का भेद किया, और फिर हम वेदों तक कैसे पहुँचे, उसके अर्थों को कैसे जाने, उसकी परंपरा हमें वो किस क्रम से हमें पढ़ना चाहिए, वो सारी परंपरा महर्षि दयानंद जी ने हमें बताई। किसी भी संस्था की जो आयु होती है, जैसे आर्य समाज की संस्था है, वो 3 बातों के ऊपर निर्भर बताई जाती है। एक तो सिद्धांत, दूसरा साहित्य, और तीसरा उस संस्था ने कितने कार्य किए। और ये जो सिद्धांत है, ये संस्था का मूल है। यदि सिद्धांत ठीक नहीं है, अथवा सिद्धांत ठीक है लेकिन उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते, युक्तियों से, प्रमाणों से उसको सिद्ध नहीं कर सकते,
तो फिर दूसरा व्यक्ति उस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा। तो ये शास्त्र, जितने भी ऋषि मुनिकृत शास्त्र हैं, इनको यदि हम अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं, इसमें पुरुषार्थ करते हैं, तो एक प्रकार से हम इस संस्था की जड़ को मजबूत कर रहे हैं। और यदि हम ऋषिकृत ग्रंथों का, वेदों का उपेक्षा करते हैं, उनको महत्व नहीं देते, तो फिर हम इस आर्य समाज रूपी संस्था की जड़ को काट रहे हैं। तो यह मूल है, और इसी के आधार पे फिर आगे साहित्य की रचना होती है और फिर कार्य किए जाते हैं। अब दूसरे मत संप्रदाय वाले कार्य तो को करते हैं, गरीबों को दान देना, चिकित्सा करना आदि आदि। आर्य समाज भी इस कार्यों को कर रहा है। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर जो इतना कार्य हुआ आर्य समाज का, उसमें कारण ये भी बताया जाता है कि आर्य समाज ने लोगों के बीच में जाकर प्रचार किया, उनके समस्याओं को सुना, उनके कष्टों को दूर किया। तो ये कार्य तो तीसरा भाग है। मूल क्या है? सिद्धांत और उसके आधार पे साहित्य। तो आर्य समाज के सदस्यों का ये दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि वो आर्य समाज की मूल को मजबूत करें। उसके लिए जो हमारे शास्त्र हैं उनको हमें अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, दूसरे के समझाने की योग्यता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे सिद्धांतों की। तब हम इसकी जो जड़ है उसको हम मजबूत कर पाएंगे।